योजातः परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याण सुमो सवे सुदय शंकराणाम स्वाहा। ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भ कारुण मणि भव्योग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतराग प्रभु। आहार अभय सद सारदान दत्तावदाना खंड स्फुट दिजन चैत्यालोदारण दीनाम यात्रा प्रतिसादि सप्तचेत धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सरोद सारवादन मधोत्कर मधुकर समाभरणानाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यात्म मंगलात्म तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणी जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवंतु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर ये चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर विराजमान है आचार्य श्री अनेक कांसागर जी महाराज संघ सहित एवं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी दोनों संघों के ससंग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के द्वारा किया जाता है, जिसे आप सभी लोग प्रतिदिन देख करके अपना पूरा दिन मंगलमय करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। नमोस्तु महाराज जी। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निवृत्ति निर्जलनी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुधुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समल है पी उज्ज्वल स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते हे नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण तीर्थ चुका है हे नाथ यहाँ अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अचल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी अग्रतृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अचल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशा की किरणों जम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेन सुमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगल मही निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम वम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि
हे लाल लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर वस मिलाए करके सर्व औषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रे तु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्व औषधि अभिषेकम करो मी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्य कारी मांगल द्रव्य पर मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम नोम राशियावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश जलाभिषेकम करो मी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्ना लेपनम करो मी नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करो मी नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारादिकं तो विभोरो तारयामि इति मंगल आरती औतरणम। उदग चंदन तनलोल पुष्प कई चरसु दीप सुधु फुफलार्की कई धवल मंगल गांध भावकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिने दाद मार्ग निर्पामी ती स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मले आगिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंदा मुसेन्द्र करो अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फुफलार्क कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिन आत्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले। इधर से प्रद्युम्न जैन आप भी ले लीजिए झारी, झारी लीजिए हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणास्य दोषकर्मदाय दिव्यते जो मुच्य नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सब श्याम राम रघुनाथ राम रीम रूम राम राशियावस नमः। आचार्य अनेकांतागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवी चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन अस्य जैन संगमती श्रीमती नाम का निकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत्यादि निवस परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टी एम यू मुरादाबाद सपरिवार से संगपति श्री जिंदाद जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बुदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल रिसभ्रियो परमांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र मध्य परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगण से श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराज निवासी परिवार से श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री सुमेरमल नर्मदा देवी जय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितिथि संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी सपरिवार से श्री सुशील जैन श्रीमती शशि जैन आलोक जैन ऋचा जैन दिया जैन अस्य जैन देहरादून उत्तराखंड श्री पुखराज जी पांड्या श्री अनोप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार से पूरे भाद्रपद माह के पुण्यादिक परिवार श्री कनकमल निर्मदा देवी नागदा श्री हजारीमल गिरजा देवी महावीर आशा गौरव मयूरी शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लोकांत दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान श्री ललित गीतेश श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार उदयपुर राजस्थान सपरिवार से श्री विनोद कुमार जैन शकुंतला जैन गौरव जैन नीशु जैन पुनीत जैन सुरुचि जैन योगिता जैन राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन
पांडव नगर दिल्ली से परिवार से श्री ललित कुमार सी ए अजीत कुमार एडवोकेट पांडव नगर दिल्ली से परिवार से श्री डॉक्टर सत्येंद्र कुमार श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन डॉक्टर विवेक डॉक्टर अंशु जैन प्रणव लवित जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश परिवार से श्रीमती रेखा जैन एसपी जैन श्री नीरज जैन डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर आरू जैन सत्ता बिहार दिल्ली से परिवार से माता श्री चांदतारी की पुण्यतिथि पर श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद जैन हौजकार दिल्ली से परिवार से श्री संजय रेखा जैन श्री तीर्थेर मोक्षा जैन दीवान परिवार सूरत सपरिवार से श्री देवेंद्र कुमार दीपेश जैन सूरतमल बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंसुकी जैन तेजस जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली सपरिवार से श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल श्री प्रमोद कुमार जैन योगेंद्र जैन कुमारी पुण्या जैन सम्यक जैन रांची झारखंड सपरिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवार से श्री माणिकचंद बीजी देवी सुनील राजेश नलनी जैन जयपुर राजस्थान श्रीमती प्रमिला जैन अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर गुड़गावा निवासी सपरिवार से श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन श्री अमित विनीता जैन दर्शील जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान सपरिवार से श्री आर के जैन सची जैन आशीष जैन महेक जैन मुनीरिका दिल्ली सपरिवार से श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोदा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नव्या मोनिका जी जैन ऋषि राज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान सपरिवार से श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गरिमा सार्थक से जैन कृष्णा नगर दिल्ली सपरिवार से श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महेक जैन प्रणीत रिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन श्री प्रीति हर्ष कीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी सपरिवार से श्री मती रेखा जैन रोहिणी दिल्ली सपरिवार से श्री मणिलाल जैन कन्हैयालाल जैन फलासिया उदयपुर राजस्थान सपरिवार से प्रद्युम्न के सांधारा के पुण्याधिक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन श्री आशु रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराव आदि जैन अध्याम जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा सिद्धिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद रविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन श्री मयूर जैन श्रीमती पलक जैन ठेकेदार मयंक जैन नासिक महाराष्ट्र श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली सपरिवार से डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली सपरिवार से फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्यस्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष हमारा राम सरण्या सेठी डीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही ना माई पुण्याचार्य बीबी अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरेम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अप्रेक राशि प्रणति अस्य पश्चिम नाम का सौरभ सत्सा सरदार सेठी कलकत्ता श्री अजीत अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल सपरिवार से श्री गंधर्व जैन संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरिवार से श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अवरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्री विजय जैन दशमी जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम
सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी चक्रिका दुर्घटना भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी चक्रिका दुर्घटना भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी प्रदानी विस्फोटक भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी विषाक्त वाष्प क्षण भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी दुर्घटना भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी कंप दुर्घटना भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी विचार वेंद्र डाकी साकी न्यारि भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी व्यापार हानि भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी 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 सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिन्छिन्दी बिन बिन्दी सर्व भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी छिन्छिन्दी बिन बिन्दी छिन्छिन्दी बिन बिन्दी रोद ध्यानम छिन्छिन्दी बिन बिन्दी भाग्यम छिन्छिन्दी बिन बिन्दी अजसः छिन्छिन्दी बिन बिन्दी पापम छिन्छिन्दी बिन बिन्दी छिन्छिन्दी बिन बिन्दी भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी मतिम छिन्छिन्दी बिन बिन्दी भयम् छिन्छिन्दी बिन बिन्दी छिन्छिन्दी बिन बिन्दी दुःखम छिन्छिन्दी बिन बिन्दी मृत्युम छिन्छिन्दी बिन बिन्दी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर श्री कामणी त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभिनंदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराद वीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवंतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मे परमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री तीर्थ क्षेत्र विसंबत 2547 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ शनिवार से नित्य पूजा से विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियाकाशराम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति ने सुभिक्षम करो करो समाधिम करो करो शुक्ल ध्यानम करो करो स्वाहा करो करो भाग्यम करो करो मतम करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो वारिष्ठ ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकोपरि शांति धाराम कुरु चतुर्भिसंगस्य आचार्य अनेकांतसागर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानेश्वर चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बजाज दिल्ली से परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जब ये सब देव भगवान की जय भरत स्वामी भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा हम ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम गुरु मे अर्घ्यम निरपामी ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनर साय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग मजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनोवचकाय हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभाय ओम रीम ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फुट के ऋषभ देव भगवान एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। ओम रीम आचार शांति सागर स्मारक समय शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान एवं बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में एवं जम्बूदीप हसनापुर में विराजमान जन्मभूमि हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों 31 फीट के भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नीरगंध यक्षतान पुष्प चारुली दिए दीप धूप श्रीफला दिए अर्घ ते जदी दिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मुख्य बोली निगरा ओम रीम श्री पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। जल फल वसु सदिय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊ बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सनमत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सनमत दायक ओम रीम श्री कल्प वृक्ष महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। भरत भगवान कर चढ़ाएंगे
चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनॉट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी एवं ह्रीम में 24 रत्न प्रतिमाएं विराजमान उन सभी के चरणारविंद में जलार गंधर्वामी ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार के कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रह जिन साधु महामृे। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नमोस महाराज जी नमोस नमोस पिछी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणी प्रमुख राजधानी दिल्ली में भरत स्वामी की प्रतिमा विराजमान करने की प्रेरणा स्रोत माता जी के चरणों में अर्घ्य समर्पामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। कुछ सूचनाएं हैं सभी भक्तों के लिए। नंबर एक, कल रविवार है, प्रातःकाल मनोकामना सिद्धि विधान होगा जम्बूदी भस्नापुर में कल्पवृक्ष भगवान महाविस्वामी के मंदिर में एवं राजधानी दिल्ली में दोनों संघों के मंगल सानिध्य में भरत स्वामी की चरण उपस्थिति में चरण सानिध्य में यहाँ पर भी मनोकामना सिद्धि विधान होगा और जम्बूदी भस्नापुर में भी मनोकामना सिद्धि विधान होगा और भगवान भरत की प्रतिमा का मस्तिकाभिषेक भी होगा। ये कार्यक्रम आप प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक देखेंगे। कल दोपहर में डॉक्टर अनुपम जैन जो विद्वत महासंघ के महामंत्री और कार्याध्यक्ष हैं और अब उनका सम्मान में एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित किया गया है दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान की ओर से। कल दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक पारस चैनल के माध्यम से आपको देखना है डॉक्टर अनुपम जैन का सम्मान समारोह दोनों संघों के सत्संग सानिध्य में और कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन होंगे मुख्य अतिथि। तो इस कार्यक्रम में 8 कुलपति विभिन्न प्रदेशों से भी पधार रहे हैं और अन्य श्रेष्ठीगण और सभी लोग त्रिलोक संस्थान के पदाधिकारी में पधार करके डॉक्टर अनुपम जैन का कल दोपहर में सम्मान होगा। उसके बाद आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि आ रही है 8 सितंबर को भादो शुक्ला द्वितीया के दिन। तो 6 सितंबर 7 सितंबर और 8 सितंबर को आचार्य शांति सागर महाराज की पुण्यतिथि भी हम लोग यहाँ पर मनाएंगे विभिन्न प्रकार से पूजा अभिषेक और आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि विनयांजलि अर्पित करने का अवसर संतों को और विद्वानों को प्राप्त होगा। प्रातः दोपहर एवं सायंकाल तीनों समय हम लोग आचार्य श्री के संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। पूजगणी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए हैं, आचार्य अनेकांत सागर महाराज जो उनकी परंपरा के वर्तमान पट्टाधीश हैं वे भी आचार्य शांत सागर महाराज के स्मरणों को सुनाएंगे और हमारे देश के कुछ विद्वान भी आपको रात्रि में झूम के माध्यम से 7:30 बजे से आचार्य श्री के संबंध में 6 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख त्रिदिवसीय कार्यक्रम ये आचार्य शांत सागर महाराज की पुण्यतिथि का यहाँ से संचालित किया जाएगा। 10 तारीख से आ रहा है पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व जिसमें होगा कल्पद्रु महामंडल विधान भरत ज्ञानसली तीर्थ क्षेत्र पर। पहली बार कल्पद्रु महामंडल विधान का आयोजन भगवान भरत स्वामी ने जो स्वयं समोसरण के अंदर जाकर के किया था चतुर्थ काल में ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत के सानिध्य में उनके चरण सानिध्य में यहाँ पर पूजगणी ज्ञानमती माता जी की लेखनी से लिखित और उन्हीं के मंगल सानिध्य में यहाँ पर कल्पद्रु महामंडल विधान संपन्न किया जाएगा। जो भी महान भाव इस विधान में सम्मिलित होना चाहें प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केवल 11,000 रुपये की राशि दे करके इंद्रनाड़ी बन सकते हैं, 21,000 रुपये की राशि दे करके और महाराजा बन सकते हैं और 1,00,000 रुपये की राशि दे करके चक्रवर्ती बन करके और इस मंडल विधान का आनंद ले सकते हैं पुण्य ले सकते हैं। सभी सम्मिलित होने वाले महानुभावों के लिए 10 लक्षण पर्व के अनुकूल शुद्ध भोजन की व्यवस्था और शुद्ध सामग्री की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। प्रतिदिन भगवान भरत का भी अभिषेक होगा और मंडल विधान भी होगा 6 बजे से 7 बजे तक अभिषेक एवं प्रवचन, 7 बजे से
दस लक्षण आदि पर्व की पूजा एवं कल्पद्रु महामंडल की पूजा ये प्रारंभ होगी। लगभग 11 बजे तक ये मंडल विधान चलेगा। जो भी महानुभाव सम्मिलित होना चाहे दिल्ली एवं NCR के अपना नाम इसमें लिखा करके और ये धर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा लगातार एक महीने तक महाशांतिधारा में पर्युषण पर्व में अनेक पर्व आ रहे हैं। जैसे 16 कारण पर्व चल रहा है, 10 लक्षण पर्व आ रहा है, पंचमेरु पर्व आएगा, रत्नत्रय पर्व आएगा। सभी में आपके परिवार की सुख समृद्धि निरोगता के लिए महाशांतिधारा में अपना नाम दे सकते हैं। केवल 11,000 रुपये की राशि में लगातार एक महीने तक महाशांतिधारा में आपके परिवार का नाम प्रातः सुने पारस चैनल पर। जिनकी भावना हो सामने जो नंबर चल रहे हैं उन पर दे सकते हैं। और दोपहर में 3:30 बजे पुनः पारस चैनल पर अयोध्या के संदर्भ में पूरी जानकारी दी जाती है। और जो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के 88वें जन्म जयंती एवं 70वें त्याग दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यावदान समारोह चल रहा है, पारस चैनल 3:30 बजे और झूम चैनल ऋषभदेव झूम चैनल पर भी ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, अवश्य देखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। अब व्रत की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहं शक्तितस्तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहं शक्तितस्तपो भावनायै नमः। पुनः मेघमाला व्रत का मंत्र ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्यो शंकराय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। केवल ज्ञान प्राप्ताय। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। श्री अरहत परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। अभीष्ट फल प्रदानाय। धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्यावसा नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्यावसा नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं स्याद्वाद ने ओम ह्रीं श्री जिन को ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भूत स्याद्वाद ने गर्भित ओम ह्रीं श्री जिन मुखोद्भूत स्याद्वाद ने गर्भित द्वाद सांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। द्वाद सांग श्रुति ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा क्रम प्राप्त मैं जो प्रतिदिन एक एक भावनाओं का अर्थ सुनाती हूँ उसमें से सुनेंगे आप। आज है प्रवचन भक्ति भावना। ये प्रवचन भक्ति यानी पहले थी अरहंत भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति में अरहंत सिद्ध भक्ति आ गई, फिर आचार्य भक्ति में आचार्य उपाध्याय साधु आ गए, पुनः से बहुसुर भक्ति में मुख्य रूप से उपाध्याय विशेष ज्ञानी, और प्रवचन भक्ति में भगवान के मुख से निकली हुई जो दिव्य ध्वनि जो कि 718 भाषाओं में खिरती है और सभी अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं, सर्वभाषा में परिणमती है, और जिसको गणधर देव द्वासांग रूप में रचना करते हैं उसी का अंश भी आज मौजूद है, आज विद्वान है। गौतम स्वामी के मुख से निकली साक्षात वाणी भी आज विद्वान है। उन पर श्रद्धा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा आदि करना, आराधना करना, जाप करना आदि, ये प्रवचन भक्ति है। ये श्रुतस्कंद विधान और श्रुतस्कंद जो मंत्र उच्चारण कराती हूँ मैं, जो एक महीने के लिए ये व्रत चल रहा है श्रुतस्कंद व्रत, भाद्रपद शुक्ला एकम से लेकर भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा तक, ये व्रत भी जो है प्रवचन भक्ति के अंतर्गत ही है। दिनवाणी की भक्ति और श्रद्धा, आज भी हमारे यहाँ गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है, ऐसा बृहद्रव संग्रह में, सरखंडागम ग्रंथों में श्री पुष्पचंद भूपति भट्टारक ने आचार्यों ने मान्य किया है और मुख से उनके निकले हैं कि गौतम भंडारो
गौतम भट्टारक के मुख से निकली वाणी, वो है चैत्य भक्ति और दैवसिक प्रतिक्रमण जो हम साधुजन पढ़ते हैं, और पाक्षिक प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण जो हम लोग चतुर्दशी पूर्णिमा आदि को करते हैं, और श्रावक प्रतिक्रमण, ये चार। और इनके लिए प्रमाण है वो स्वयं उनकी वाणी, सुदम में आओ संतो ही खर स्वम्ने न भयोदा महाज महावीर न महाकश्य न सबना सब लोग दर्शना। वो स्वयं कहते हैं कि हे आयुष्मान, तो मैंने सुना है भगवान महावीर जो सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, और सबम समम जानंता प्रसन्नता विहर माने न, जो सब एक साथ युगपत सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं सारे लोगों को, सारे विश्व को, तीनों लोगों को देखने वाले, जानने वाले, सब जीवों को, उनकी सर्वपर्यायों को, भूत भविष्यत कालीन को जानने वाले, ऐसे भगवान महावीर जो जानते हुए देखते हुए विहर माने न विहार कर रहे हैं, जिनका मंगल श्री विहार होता ही रहता है, समोसरण में विराजमान है, उन्होंने उपदेश दानी उपदेश दिया है, गीत धम्मम उपदेश दानी और समणानम पंच महाबदानी उपदेश दानी, गृहस्थन 12 प्रकार का कहा है, और मुनियों के लिए जो है 28 प्रकार के मूल गुण, 5 प्रकार का महाव्रत आदि का वर्णन किया है। उनकी वाणी से ही, उनके शब्दों में ही प्रमाणिकता आती है कि गौतम स्वामी के सिवा ऐसा कौन कह सकता है। पुनः से उसी में एक आता ही पंक्ति, जो सारो सब सारे सु सो सारो यश गोयम सारम जानंति नाम है न सब बुद्धिम देतम। हे गौतम, जो सार में भी सार है, सभी सारों में भी सार है, वो सार क्या है? ध्यान, इस नाम से जो कहा गया वो सार है, ऐसा सभी सर्वज्ञ सदर्शियों ने कहा है। इससे प्रमाणित हो जाती है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी है। अगर कोई विद्वान कह दे कि ये कैसे है, टीकाकारों ने भी, श्री प्रभाचंद आचार्य ने भी हजारों वर्ष पूर्व टीका करके और जगह जगह लिखा है कि गौतम स्वामी के मुख से निकलत वाणी। अब मैं सद्भक्ति के बारे में थोड़ा सा आपको सुनाऊं। पटना नगर में राजा चंद्रुचि की एक कन्या थी सुरतालिनी, चतुर्थकालीन घटना है। उसने एक दिन सहज ही एक आरिका के पास विद्याध्ययन किया था, और आकर के उसने बुद्धि से अपने एक चौकी पर सुंदर सुतस्कंद मंडल बनाया और सुतस्कंद की आराधना करने लग गई। राजा को आश्चर्य हुआ, रानी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने अवधि ज्ञानी मुनि से प्रश्न किया कि भगवान, तो उन्होंने बताया ये कन्या ऐसी है, इससे अपने आप जो सुतस्कंद मंडल बनाया और सुतस्कंद की आराधना कर रही है। तो उन्होंने कहा, यह विदेह क्षेत्र में राजा गुणभद्र की रानी गुणवती थी, और श्रीमंदर भगवान के मुख से सुतस्कंद व्रत का महत्व सुनकर उसने विधिवत उसका अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप ये जो है आज उसको ये सुतस्कंद मंडल विधान बनाना, आदि आराधना करना, उसे वो इस संस्कारों में है। सुनकर उसे सुरतालिनी को अच्छा लगा। उसका नाम था सुरतशालिनी, नाम भी उसका ऐसा ही रखा था माता पिता ने, सुरतशालिनी। पुनः से उसने सुरतस्कंद व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समाधिपूर्वक मरकर इंद्रपद प्राप्त किया। वहाँ से च्युत होकर विदेह क्षेत्र में राजा पद्मराज पद्मनाभ की जित पटमा के गर्भ से जन्म लिया, और उसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और तीन कल्याणकों को प्राप्त करके, दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण, तीन कल्याणकों को प्राप्त कर नयनधर नाम के तीर्थंकर हो गए। ये सुतस्कंद की संक्षिप्त सी कथा मैंने आपको सुनाई, और इसकी भक्ति के बारे में आप समझेंगे। आज मैं आपको ले चलूँ एक विशेष विषय की ओर। अभी मेरे पास चर्चा भी आ रही है, प्रश्न आया है कि क्या घर में चैत्यालय होना चाहिए। अगर हमें और आपको प्रवचन भक्ति और सरस्वती की भक्ति, जनवाणी की भक्ति और श्रद्धा है, तो ये है हमारे सामने उमा स्वामी श्रावकाचार्य। ये उमा स्वामी श्रावकाचार्य है, उमा स्वामी आचार्य जो तत्तार सूत्र के कर्ता हुए हैं, 2000 वर्ष पूर्व उनके द्वारा रचित। इसमें स्वयं उन्होंने लिखा है कि मैंने 12 व्रतों के अतिचार तत्तार सूत्र में कहे हैं, इसलिए यहाँ नहीं कहेंगे। ये स्वयं उन्होंने लिखा है, उन्हीं के द्वारा लिखित उमा स्वामी श्रावकाचार्य है। इसमें उन्होंने लिखा है, देखिए आप, ग्रहे प्रविशता वाम भागे शल्य विवर्जिते देवता वश्रम कुरियात शार्ध हस्तोर्ध भूमि के। घर में प्रवेश करते हुए वाम भाग में, बाएं भाग में शल्य विवर्जित, ऐसे बाएं हिस्से में देवता वश्रम, देवता का स्थान बनावे, यानी मंदिर चैत्यालय बनावे। उसे मंदिर नहीं कहते, गृह चैत्यालय नाम देते हैं, जो भी है वर्तमान में। उसमें लिखा है,
कि एकादशांगुलम बिंबम सर्व कामार्थ साधकम एतत् प्रमाणम आख्यातम अर्थ ऊर्ध्वम नकारेत। अधिकतम 11 अंगुल की प्रतिमा ही ग्रह चैताल्य में रखना, इससे बड़ी नहीं रखना, ऐसा आगम का वर्णन है। एक अंगुल, 3 अंगुल, 5 अंगुल, 7 अंगुल, 9 अंगुल और 11 अंगुल अपने अंगुल से मापना चाहिए, घर के स्वामी को, मालिक को, उसी के हिसाब से रखना चाहिए। 2 अंगुल, 4 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल की प्रतिमा का निषेध है घर चैताल्य में, मंदिर में निषेध नहीं, ध्यान रखें। सोने की, चांदी की, राजत की, धातु की, पाषाण की कोई भी प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। एकांगुलम भवे श्रेष्ठम, द्विअंगुलम धननाशनम, त्रिअंगुले जायते वृद्धि, पीड़ा सा चतुरंगुले। एक अंगुल की प्रतिमा श्रेष्ठ है, 2 अंगुल की प्रतिमा से धननाश होता है, त्रिअंगुल से वृद्धि होती है, धन धान्य की सब सुख समृद्धि की वृद्धि होती है आदि, तो यह सब बताया है। आप इसका स्वाध्याय करें। ग्रहे संपूजयेत बिंबम ऊर्ध प्रासादगम, पुनः घर में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके पूजा करें। और बताया है, देखिए आप ईशान कोण बताया इसने। पूरस्याम श्री ग्रहम कार्यम, आग्नेयाम तु महानसम, शयनम दक्षिणस्याम तु नैऋत्याम आयुधाधिकम, भुक्ति क्रिया पश्चिमायाम वायव्य धन संग्रह, उत्तरस्याम जलस्थानम ऐसन्याम देव सदग्रहम। यह है उमा स्वामी श्रावकाचार पृष्ठ 41 और श्लोक 112-113। इसका अर्थ है श्रावक को अपने घर के विभाग करना चाहिए बनाते समय। पूर्व दिशा की ओर सौभाग्रह यानी बैठक, अपनी बैठक पूर्व दिशा की ओर, आग्नेय दिशा में रसोई घर, दक्षिण दिशा में शयन करने का स्थान, नैऋत्य दिशा में आयुधशाला आयुध वगैरह रखना, पश्चिम दिशा में भोजन गृह, वायव्य दिशा में धन संग्रह और उत्तर दिशा में जल स्थान और ईशान दिशा में देव स्थान होना चाहिए। ईशान दिशा में ग्रह चैताल्य होना ही चाहिए। अंगुष्ठ मात्रम बिंबम यः कृत्वा नित्यमर्चयेत् तत्फलम न च वक्तुम ही शक्यते संख्य पुण्ययुक्त। एक अंगुष्ठ मात्र भी जो बिंब अपने घर में विराजमान करके पूजा करते हैं उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता, उन्हें असंख्य पुण्य प्राप्त होता है, अनंत गुणा पुण्य प्राप्त होता है। बिंबा दल समय चैत्य यवमानम तु बिंबकम यः करोति हि तस्यैव मुक्तिर्भवति सन्निधि। जो एक बिंबादल फल के पत्ते के समान छोटा सा चैताल्य बनाकर उसमें जो जौ के समान भी छोटी सी प्रतिमा विराजमान करते हैं वो निश्चित ही उनके सन्निधि माने निकट ही मुक्ति है, अर्थात तो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, शीघ्र ही अति शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये सब वर्णन उमा स्वामी साहब का चार में आया है। और मैं आपको बताऊँ, पद्म पुराण में यहाँ तक आया है कि जिसके घर में जैन बिंब नहीं है उसके घर में महामारी आदि रोग आदि उपद्रव आ जाते हैं, इसलिए जिन बिंब घर घर में होना ही चाहिए, ऐसा शत्रुघ्न को और सप्तऋषियों ने अच्छी तरह बताया था, बहुत सुंदर उपदेश दिया है, बहुत सुंदर उसमें वर्णन आया हुआ है। आप पद्म पुराण का स्वाध्याय करें। और 92 सर्ग में बहुत सुंदर वर्णन आया हुआ है 12वें पर्व में कि घर में दिन चैताल्य होना ही चाहिए। और आज परंपरा आरा में मैंने देखा, दक्षिण में देखा, दक्षिण में कोल्हापुर के प्रांत में हमने देखा है कि घर घर में जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएँ हैं, चैताल्य हैं। मुंबई में भी अनेक घरों में गृह चैताल्य हैं, आरा में अनेक घरों में गृह चैताल्य हैं, जयपुर में अनेक घरों में गृह चैताल्य हैं, दिल्ली में भी कई एक घरों में गृह चैताल्य हैं और खूब उन्नति किया है उन्होंने। हमारे हाथ से जिन प्रतिमा ले गए हैं, मेरे सन्निधि में मैंने कई एक घरों में जिन प्रतिमाएँ विराजमान कराई हैं दिल्ली में कई एक घरों में, और वहाँ खूब वो उन्नति करते करते कहीं तो उन्होंने उन्हीं चैताल्य की प्रतिमा को आगे विराजमान करके एक ऋषभ विहार है, कौन सा स्थान है वहाँ, उन्होंने सूरजमल विहार में मंदिर बन गया, बहुत भव्य मंदिर बन गया। और कई एक जगह कई एक ग्रहों में गृह चैताल्य हैं। हमारे कमरचंद जी जैन खारी बाबू जी वाले, उनके सुपुत्र हैं और उनके सुपुत्र का प्रेम उसका क्या नाम है, सुनील। अरे कमल का लड़का जो कमलचंद के लड़के सुनील जी, उनके घर में चैताल्य है, उन्हें हमेशा उन्नति की है।
और दिन रात जी हमारे श्रावक प्रतिदिन यहाँ आपसे करने आया करते हैं, अधिकतम उनके घर में चैताले दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं। तो बात है कि आज कोई कह देते हैं कि घर चैताले रखने से उसकी हानि होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी आदि, तो आगम का प्रमाण हमें दिखाएं। हम तो आगम को लेकर चलते हैं, दिनवाणी को लेकर चलते हैं। किसी ग्रंथ में अगर जिन चैताले को घर में विराजमान करने का विरोध हो तो मैं इस बात को स्वीकार करूंगी। कोई भी दिखा सकता है, कोई विद्वान हो, पंडित हो, साधु हो, मैं तो हर किसी के लिए कहती हूँ, कोई प्रमाण दिखावे। आचार्य श्री वीरसार महाराज हमेशा कहा करते थे कि या तो ना का प्रमाण दिखाओ और या इस विषय का निषेध मत करो। जैसे महिलाओं द्वारा आपसे करने का है, विधान हम दिखाते हैं, प्रमाण हम दिखाते हैं, और नहीं करना ये आप दिखा दो किसी ग्रंथ में। पंचामृत अभिषेक करने का प्रमाण हम दिखाते हैं, नहीं करना किसी ग्रंथ में आप दिखा दो, आचार्यों के ग्रंथ में, पंडितों के ग्रंथ में नहीं। पंडित तो कुछ भी हाल लिख देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आगम ग्रंथों में, आचार्यों के ग्रंथों में जो प्रमाण है, मैंने आज आपको उमा स्वामी का श्रावकाचार का प्रमाण दिया, पद्म पुराण का प्रमाण बताया, और अनेकों ग्रंथों में प्रमाण है, घर में वास्तुशास्त्र में प्रमाण है कि गृह में चैताले होना ही चाहिए। निषेध का प्रमाण आप एक भी हमें नहीं दिखा सकते, अगर दिखा दे कोई। कई बार मैंने इस विषय को लिया है, तो हमेशा आप ध्यान रखें आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा, हमेशा उनके संग में प्रतिमा रही है, आचार्य वीरसार के संग में प्रतिमा रखी है ब्रह्मचारियों ने, ब्रह्मचारियों ने, और मुझे भी आज्ञा दी थी आचार्य श्री वीरसार ने स्वयं खजांती की नसिया में, जब वहाँ से मुझे बिहार के लिए आज्ञा दी, आसपास छोटे छोटे गांव में घूमकर आ जाओ 15 दिन, तो बोले कि देखो संग में ब्रह्मचारिणी है एक, चतुर्बाई करके थी, बोले इनको संग में प्रतिमा जी एक दे दो, सूरज में जी ने एक प्रतिमा दी, बोले ये ले जाना रोज अभिषेक करना। क्योंकि मान लीजिए किसी गांव में पंचावृत अभिषेक नहीं होता है, 13 पंथी हैं, तो अपने को विवाद नहीं करना है, अपने संघ की प्रतिमा है उस पर ब्रह्मचारिणी अभिषेक कर रहे हैं, ब्रह्मचारी अभिषेक कर रहे हैं, उनका नियम है, हमारे संघ की ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों का नियम है अभिषेक करके ही भोजन करना। हमारे स्वामी जी विदेश गए थे अमेरिका सन 2000 में, भगवान की प्रतिमा लेकर गए थे क्योंकि अभिषेक और पूजन का नियम, और वहाँ हमारे महेंद्र पांड्या जी थे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्रवधू रेणु आदि, उन लोगों ने अभिषेक की पूरी व्यवस्था बनाई, जलादि की व्यवस्था बनाई, और बराबर वो वहाँ अभिषेक करते रहे, 10 दिन रहे, और जो है जब आने लग गए तो उन लोगों ने स्वयं वो प्रतिमा वहाँ रख ली, बोले अब माता जी के हाथ की प्रतिमा अब लाए हैं, भारत से हम जाने नहीं देंगे, हम यही विराजमान करेंगे, और उन्होंने वहाँ चैताले बनाया है, उनके घर में आज भी चैताले, स्वामी जी कह रहे हैं। तो बात यही है, पहले भी चैताले था, तो बात यही है कि आज भी हमारे विदेश में बहुत से लोग हैं जहाँ मंदिर नहीं है और उनको भक्ति है, तो संघ से हमारे हस्तिनापुर से हमारे यहाँ से प्रतिमाएं ले गए हैं और वहाँ विराजमान करके गृह चैताले बना रखा है। अभी लॉकडाउन में अनेकों चैताले ही काम आए। हमारे जमुना लाल जी हपावत आकर बोले कि माता जी लॉकडाउन में हमारे घर से मंदिर जाने को मना, तो हमने घर में मंदिर से एक प्रतिमा लाकर घर में विराजमान करके और चैताले बना करके अभिषेक पूजन किया है, अपने नियम की पूर्ति की, हम बिना अभिषेक दर्शन के भोजन नहीं करते। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान रखो, किसी ने कह दिया होगा कहीं किन्हीं को कि जो चैताले घर में रखेंगे उनकी 3 पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी, अरे कोई हमें शास्त्र का प्रमाण दिखाओ। शास्त्र में अगर ऐसा लिखा है तो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन शास्त्र में घर में चैताले बनाने की प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, उपदेश दिया है, इसके प्रमाण हम आपको दिखाते हैं, जितने चाहिए उतने दिखाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान में रखें, गृह चैताले का विधान पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा है कि जिसके घर में चैताले नहीं होगा व्याघ्री के समान महामारी उसे खा जाएगी, ऐसे शब्द लिखे हुए हैं पद्म पुराण में। आप रखो न रखो, लेकिन निषेध नहीं करना चाहिए। और उमा स्वामी का प्रमाण मैंने आपको दिखाया, घर बनाते समय ईशान कोण में चैताले बनाना चाहिए। हमारे बचपन के जन्मगृह में भी आज चैताले हैं, वहाँ बराबर जो हमारे रविंद्र कुमार जी के भतीजे हैं सुयश जैन, रोज अभिषेक पूजा करते हैं, उनकी पत्नी पूजा अभिषेक करती हैं रोज, उनके घर में ईशान कोण में चैताले हैं, अनेक ग्रहों में चैताले हैं, चिकेत नगर में अनेकों जगह चैताले हैं, मैंने बहुत सारे गांव में देखे हैं चैताले। तो बात यही है
के ग्रह चैताले के बारे में जो चर्चा आई और निषेध आया, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। बातें साधुओं के मुख से मैं तो निवेदन करूंगी सभी साधुओं से, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु परमेष्ठी हो, वो पूज्य हैं, दिगंबर मुनि वहाँ पूज्य हैं, दिगंबर रुद्रा सर्वत्र पूज्य है। उनका कर्तव्य है कि वो आगम के परिप्रेक्ष्य में ही बोले, किसी भी पंथ के क्यों ना हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, ये पंथ एक तरफ है और आगम एक तरफ है। आगम से विरुद्ध कोई वाक्य अपने प्रवचन में ना कहें, आगम से जिसमें बाधा आती हो, आगम में जिसके प्रमाण मौजूद हैं, उसका निषेध अपने प्रवचन में कतई ना करें। इससे श्रावकों में आज भ्रम फैलता है और अनेक प्रकार की भावनाएं और भावी पीढ़ी हमारी धर्म से हटती है। कहते कोई साधु क्या कहते, कोई क्या कहते, क्या कोई क्या कहते, हम क्या करें? उनके सामने, आज के बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में ही साधुओं को प्रवचन करना चाहिए, आगम के अनुकूल ही बोलना चाहिए, आगम से हटकर कोई विषय नहीं लेना चाहिए। किसी पंथ को क्यों न हो, ये पंथ एक तरफ है, 13 पंथ 20 पंथ मैंने कई बार बताया है। पूज्यपाद स्वामी का पंचामृत से एक बार शासन देव देवी को मान्यता के प्रमाण आदि वो विक्रम संवत 302 में हुए हैं पूज्यपाद स्वामी, कोई 553 में मानते। काष्ठा संघ 753 में उत्पन्न हुआ है, एक साधु कुमार सेन ने चलाया। और 13 पंथ एक विद्वान बखत राम जी पंडित थे जयपुर के, उन्होंने इसे चलाया है, 13 नियम बनाए हैं। कुछ विद्वान 13 व्यक्तियों ने बैठ करके उसका नाम 13 पंथ रख दिया, 13 नियम बना दिए, हरे फल फूल नहीं चढ़ाना, दीपक नहीं जलाना आदि कुछ बना दिए नियम। तो वो 13 पंथ विक्रम संवत 1683 में बना है, आप इस बात को ध्यान में रखें। तो अनादि निधन शाश्वत जैन धर्म में सर्वत्र पंचामृत से एक पाठ, शासन देव देवी की मान्यता, मंदिर में उनको विराजमान करना, और समोसरण में भी शासन देव देवी रहे हैं भगवान के समोसरण में आदि, और बराबर घर में चैताले होना आदि, ये सब आगम प्रमाण। यज्ञोपवीत धारण करना, बिना यज्ञोपवीत के अभिषेक और पूजन नहीं करना, आहार नहीं देना आदि, ये सब परंपराएं अनादि निधन शाश्वत हैं और आगम में वर्णित हैं। और आचार्य सांथाल महाराज की परंपरा से लेकर आज मैंने 7 पीढ़ी देखी है। आचार्य सांथाल जी महाराज के 3 बार दर्शन करके उनके सानिध्य में एक महीना में खुंदनपुर कुंथलगिरी रही हूँ, उनके संलेखना के समय। वीर साहब जी महाराज के सानिध्य में, चरण सानिध्य में 22 महीने रही, उनसे ही आर्य का दीक्षा ली है। आचार्य देशभूषण जी महाराज के सानिध्य में 1952-53 आदि के चातुर्मास 53-54 के किए हैं, उनको भी मैंने अच्छी तरह देखा है, पाया है उस परंपरा को। और आचार्य शिवसार महाराज के साथ हमारे 8-10 चातुर्मास हुए हैं, आचार्य धर्मसार जी महाराज के साथ 3 चातुर्मास हुए हैं। भव्यात्माओं, आचार्य अजित सार जी महाराज जिनको मैंने अत्यधिक प्रेरणा देकर मुनि बनाया था, मुनि दीक्षा की प्रेरणा दी थी, और शिवसार से वो 1961 में सीकर में उन्होंने मुनि दीक्षा ली है, वो भी बराबर आगम परंपरा के अनुसार ही चले हैं। उनके संग में आरिका विशुद्धमती जी थी जो सागर की थी, उधर की मध्य प्रदेश की, कट्टर 13 पंथी। आचार्य श्री ने कह दिया पंचामृत से करोगी सभा में जब भी हम आरिका दीक्षा देंगे, बराबर उन्होंने विद्वानों से निर्णय लेकर के, पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, जगनमोहन लाल जी शास्त्री आदि से चर्चा करके, और बराबर पंचामृत से किया, जैसे श्री आरिका दीक्षा ली, और बराबर उन्होंने हर एक विषय में अपने आगम के परिप्रेक्ष्य में ही प्रवचन किया। तो बात यही है कि आचार्य अजित सार जी महाराज, आचार्य पंचम पट्टाचार्य श्री श्याम सार जी महाराज, छठे पट्टाचार्य अभिनंदन सार जी महाराज, आज सप्तम पट्टाचार्य यहाँ विराजमान है अनेकान सार जी महाराज, इस परंपरा में हमने 8 आचार्य देखे हैं, 7 पीढ़ियाँ देखी हैं, और सभी साधुओं से प्राय चर्चा करने का अवसर मिला है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि ग्रह चैताले का कहीं आगम में निषेध नहीं है, बल्कि प्रमाण है और होना चाहिए। मैं तो कहूँ कि घर घर में जिन प्रतिमाएँ विराजमान करना चाहिए, और अब से पूजा करके पुण्य का संचय करना चाहिए। आज हमारे ग्रीन पार्क के अरहंत जैन हैं, घर में चैताले बना रखा है, प्रतिदिन अभिषेक पूजा करते हैं वो और उनकी धर्मपत्नी माला जैन, अनेकों घरों में ग्रह चैताले यहाँ हैं। तो बात यही है, राजा बाजार में हमारे सुनंदा जैन हैं, धीरेन्द्र जैन हैं, रमेश जैन, इनके घर में चैताले हैं, बराबर अभिषेक पूजा करते हैं, दिन दिन निराज चौक ने अपने धर्म की उन्नति कर रहे हैं। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि हमारे गुरुओं को, साधुओं को
आगम के परिप्रेक्ष्य में ही अपने प्रवचन करने चाहिए। आगम में जो बात नहीं है उस बात को कह करके और जनता में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मेरी यही प्रेरणा, सब साधुओं के लिए निवेदन और आप श्रावकों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, आध्यात्मिक संत श्रोमणी कुंद कुंद भगवंत के यह वचन साकार हो रहे हैं, होते थे और होते रहेंगे। आगम चक्खु साहु जिया त्रैलोकनाथस्य शासनम जिन शासनम। गौतम स्वामी ने कहा है धर्म से कैसा अनुराग होना चाहिए, जैसे अस्थि और मज्जा का राग होता है। हमारी माता जी को ऐसा ही है, क्योंकि यह माँ भी हैं और गुरु भी हैं। ऐसा न्याय नीति धर्म की बात इस दुनिया में बोलने वाले दुर्लभ हैं महान आत्मा। सत्य को ही स्वीकार करना सम्यक दृष्टि का लक्षण है, परंतु आज की दुनिया में ये पंचम काल है, तीर्थंकरों की वाणी है कि पाप की अभिवृद्धि होगी और पापियों का वर्चस्व रहेगा। इसीलिए कहा गया है आचार्यों ने कि अपनी सामायिक में स्थिर हो जाओ।